हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश में सभी प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन के लिए यूपी गेट के नाम से ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भरवाए गए थे और ये फॉर्म अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भरवाए गए थे और अब यूपी गवर्नमेंट ने इस बार 2024 में यूपी के प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा को कैंसल कर दिया है, रद्द कर दिया है। तो कुल मिलाकर के बात बड़ी यह है कि पहले तो रद्द क्यों किया है और दूसरी बात, जिन बच्चों ने फॉर्म भरा है उनको फीस कैसे वापस मिलेगी, तीसरी बात प्राइवेट कॉलेजों में फिर एडमिशन कैसे होगा, और चौथी बात प्राइवेट के अलावा जो गवर्नमेंट कॉलेज है उनमें एडमिशन कैसे होगा, उनमें फॉर्म कैसे भरे जाएंगे, और इसके अलावा दोबारा एडमिशन के जो फॉर्म है, क्योंकि अब प्रवेश परीक्षा नहीं होगी इस बार डायरेक्ट काउंसलिंग से डायरेक्ट 10th और 12th के आपके जो परसेंटेज है उसके बेस पे मेरिट बनेगी, तो दोबारा फॉर्म कब निकलेंगे, इन सब मुद्दों पर मैं आपको एकदम क्लियर जानकारी देने वाला हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि यूपी गवर्नमेंट को इस तरह का फैसला लेना नहीं था। अगर उनको पहले से ही बच्चों को अगर मेरिट के आधार पर एडमिशन देना था तो उन्हें फॉर्म नहीं भरवाने चाहिए थे, क्योंकि फॉर्म भरवाए गए, बच्चों से पैसे लिए गए, फिर अचानक से आके मना कर दिया गया, इससे विद्यार्थियों के साथ एक तरह से विश्वासघात और धोखा हुआ है। अब बात बड़ी यह है कि बच्चों ने इधर उधर से करके 3,000 रुपए, आज बहुत बड़ी बात होती है, 3,000 रुपए फीस दी बच्चों ने, करोड़ों में फीस गई है गवर्नमेंट के पास, तो पता नहीं कैसे जो है इन्होंने ये डिसीजन लिया, समझ नहीं आ रहा, प्राइवेट कॉलेजों के दबाव में लिया या कुछ और कारण रहा, क्योंकि इन्होंने जो कारण दिया है वो कारण हमें एकदम ठीक नहीं लग रहा। अब देखो, इन्होंने ये बेटा नोटिफिकेशन जारी किया है ना, और जीएनएम का फॉर्म भरने की लास्ट डेट 12 तारीख थी, तो एक बार फॉर्म जो भरे जा रहे थे ना प्रवेश परीक्षा के लिए, उन फॉर्म को एक बार के लिए रोक दिया गया है। अब देखो इन्होंने यहाँ कारण दिया है, इन्होंने क्या लिखा है एक बार आप सब लोग देखें, इन्होंने यहाँ पे दो लाइनें लिखी है बेटा, देखो यहाँ पे इस पैराग्राफ को आप देखिएगा, ये इस पैराग्राफ में इन्होंने ये कहा है कि मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है कि भारतीय इंडियन नर्सिंग काउंसिल के पत्र क्रमांक कुछ दिया इन्होंने, शैक्षणिक सत्र 24-25 में नर्सिंग डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश हेतु जारी की गई समय सारणी में सत्र 1 अगस्त 2024 को प्रारंभिक किया जाना निर्धारित किया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी द्वारा नर्सिंग डिप्लोमा पाठ्यक्रम की प्रवेश परीक्षा 28 जुलाई को निर्धारित की गई है। प्रवेश परीक्षा कराए जाने के उपरांत परीक्षा फल करने और काउंसलिंग संबंधी प्रक्रिया को पूर्ण करने में समय लगेगा, जिसके कारण आईएनसी द्वारा निर्धारित समय सारणी के अनुसार शैक्षणिक सत्र 1 अगस्त 2024 से प्रारंभिक करना संभव नहीं हो सकेगा, इसलिए इससे छात्रों का शैक्षणिक सत्र विलंबित होगा। इनके कहने का मतलब यह है कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने 1 अगस्त से सत्र शुरू करने का कहा है, और अगर एग्जाम होएगा फिर मेरिट बनेगी फिर काउंसलिंग होगी तो इसमें समय ज्यादा लग जाएगा, तो इसलिए इन्होंने कहा इसलिए सत्र लेट हो जाएगा, तो इन्होंने कहा इस बार प्रवेश परीक्षा नहीं करवाते हैं, अगले साल प्रवेश परीक्षा से एडमिशन लेंगे। देखो इन्होंने लिखा है, आगामी शैक्षणिक सत्र 25-26 में समय अंतर्गत समस्त कार्यवाही पूर्ण कर प्रवेश प्रक्रिया द्वारा निर्धारित हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की मेरिट के स्थान पर पारदर्शी प्रतिस्पर्धात्मक रूप से परीक्षा के माध्यम से पूर्ण कराए जाने का निर्णय लिया गया है। मतलब इन्होंने एक गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है उसका हवाला दिया और इन्होंने कहा है कि अगले साल से तो हम प्रवेश परीक्षा करवाएंगे, लेकिन इस बार जो है हम पिछले साल की तरह ही दोबारा फॉर्म फिलअप करवाने वाले हैं। तो कुल मिला के बच्चों बात बड़ी यही है कि जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं
जितने भी जीएनएम के अब प्राइवेट कॉलेज है, इनमें बच्चों एडमिशन के लिए अब दोबारा फॉर्म निकलने वाले हैं, है ना। अब एक बार और फॉर्म आने वाले हैं बेटा। अब जो फॉर्म भरवाए जाएंगे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए, इन फॉर्म के अंदर आपको अपने 10th के और 12th के जो परसेंटेज है वो आपको अपडेट करने पड़ेंगे कि आपके कितने परसेंटेज बने हैं। अब आप सोचोगे सर दोबारा फॉर्म भरवाए जाएंगे, तो ये दोबारा फॉर्म किस वेबसाइट पे भरे जाएंगे? बच्चों ये जो दोबारा फॉर्म भरे जाएंगे ये हमारे उत्तर प्रदेश की जो मेडिकल फैकल्टी है ये इस वेबसाइट पे भरे जाएंगे बेटा। उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी UPSMFAC, वो मैं आपको अपडेट दे दूंगा बेटा। अगर कोई नई वेबसाइट पे भी फॉर्म फिलअप हुए, अगर कोई न्यू वेबसाइट पे इन्होंने फॉर्म का लिंक दिया तो भी मैं आपको जानकारी दे दूंगा। आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। जीएनएम के बारे में हर एक अपडेट मैं आपको देता रहूंगा, ठीक है। सारी जानकारी आपको जीएनएम के बारे में मिलती रहेगी। तो इसका मतलब दोबारा फॉर्म भरवाए जाएंगे upsmfac.org, इस वेबसाइट पे फॉर्म का लिंक आएगा और फॉर्म आपके 7 डेज में जो है वो ओपन हो जाएंगे प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन के लिए। दोबारा फॉर्म ओपन होने वाले हैं और अब जो है एडमिशन होगा 10th और 12th के परसेंटेज बेस पे। ओके, बिल्कुल, ये तो बात है प्राइवेट कॉलेज की। अब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं बेटा। दूसरे पॉइंट ये है कि तो सर हमने जो फॉर्म भरा था उस फॉर्म की फीस हमें वापिस कैसे मिलेगी? तो देखो मैं अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे लेके जा रहा हूँ। उन्होंने वेबसाइट पे बच्चों ऑलरेडी पहले से ही कुछ लिख रखा है, देखो कैसे फीस मिलेगी। फीस का मुद्दा हमने कल उठाया था, आपको पता ही है, हमने ट्विटर पे इस मुद्दे को उठाया, गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचाई है और भी हम लगातार बेटा इस मुद्दे को उठा रहे हैं। यूनिवर्सिटी तक जब हमने ये मुद्दा पहुंचाया तो यूनिवर्सिटी ने बेटा एक जानकारी दी है। बहुत सारे बच्चों को मेल भी, जब किसी ने मेल किया होगा तो उस बहुत सारे बच्चों को मेल में रिप्लाई भी दिया है। उन्होंने कहा है कि हम बहुत ही जल्दी फीस को रिफंड करने का प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ लिखा हुआ भी है यूपी गेट 2024 हैज बीन कैंसल, ऑल एडमिशन इन जीएनएम कोर्स विल बी एज पर गवर्नमेंट ऑर्डर, रिफंड प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन फी विल बी इनिशिएट सून। इन्होंने कहा है बहुत ही जल्द हम फीस के रिफंड का प्रोसेस शुरू करेंगे। आपकी जो भी फीस लगी है बेटा वो सेफ है, आप चिंता मत करना। अगर यूपी गवर्नमेंट और अटल बिहारी आपका एक भी पैसा खाती है ना, तो आप समझ लेना इसके लिए विजय परिवार सबसे आगे रहेगा और सबसे पहले आवाज उठाएगा। हम ये चाहते हैं कि ये पेमेंट, एक दिक्कत यहाँ पे है बच्चों, वो मैं अब क्लियर कर दूं। दिक्कत ये है कि अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी बेटा करती ये है कि कई बार फीस बहुत लेट देती है। ये जो बीएससी नर्सिंग वालों के भी जो एग्जाम होते हैं ना बेटा, तो ये 6 महीने लगा देती है वापिस जो भी ये सिक्योरिटी फीस वगैरह देने में। तो हम ये चाहते हैं कि ये फीस तुरंत इंस्टेंट जो है बच्चों के खाते में आए। 15 जुलाई तक हम चाहते हैं कि बच्चों की फीस रिफंड हो, ठीक है ना। तो अब सबसे बड़ी बात यही है, रिफंड जो है वो जल्दी होना चाहिए, क्योंकि बच्चों ने भी जो पैसे हैं वो अरेंज किए होंगे, उनको दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा तो वहां पे भी फीस देना पड़ेगा। तो इसलिए ये फीस जल्दी से जल्दी मिलनी चाहिए। मिलेगी कैसे ये भी मैंने पता किया। तो दोस्तों इन्होंने ये कहा है कि हमने बच्चों से अकाउंट नंबर ले रखे हैं, हमने जब फॉर्म भरवाया है तो वहां स्टूडेंट ने अकाउंट नंबर दिए हैं, हम उस अकाउंट नंबर में फीस सेंड करेंगे। हम उस अकाउंट नंबर में फीस क्या करेंगे, सेंड करेंगे। तो बच्चों अकाउंट का ऑप्शन तो आ ही रहा था, मैंने आपको बोला भी था, मैंने कहा बेटा फॉर्म भरते हो तब अकाउंट नंबर या तो आप अपने या अपने मम्मी पापा के देना, किसी कंप्यूटर सेंटर के खाता नंबर मत देना। देखो आप, अब बच्चों के मन में एक डाउट भी है, क्या डाउट है? डाउट ये है, बच्चे कह रहे हैं सर हमने जब फॉर्म भरवाया था तो हमारे तो फॉर्म की फीस जो है किसी कंप्यूटर सेंटर वाले ने काटी थी। बेटा फॉर्म की फीस भले ही किसी कंप्यूटर वाले ने दी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, है ना। पेमेंट जो वापिस आएगा वो आपके अकाउंट में आएगा। आपने अकाउंट नंबर भरा था ना, आपने डायरी का, बैंक डायरी का फोटो डाला था ना,
फॉर्म के अंदर ऑप्शन था बैंक खाता नंबर डालने का, वहां तो आपने अपना अकाउंट भरा है, पेमेंट आपके अकाउंट में आएगा, पेमेंट जिसने कंप्यूटर सेंटर वाले ने, ई मित्र वाले ने, साइबर कैफे वाले ने, जिसने आपका फॉर्म फिल किया है बेटा, जिसने पैसा कटवाया है उसके खाते में नहीं जाएगा। समझ में आई बात? अब अगर आपने खाता नंबर गलत डाल रखा है तो आपको अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी को ईमेल करके बताना पड़ेगा कि मैंने अकाउंट नंबर गलत डाला है और मेरा सही खाता नंबर ये है। ये आपको बेटा जो है बताना पड़ेगा, ठीक है ना, ABVMU को, ठीक है ना। और ABVMU की जो मेल आईडी है ना बच्चों, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उस मेल आईडी पे आप मेल कर देना। अभी एक दो दिन आप रुक जाओ, मैं और नया वीडियो बनाऊंगा, उसमें कुछ और नए अपडेट डालूंगा। तो इतनी बात समझ में आ गई, फीस फॉर्म की आपकी पूरी पूरी रिफंड होगी। रिफंड कब होगी इन्होंने डेट नहीं बताई है। तो अब अपन बच्चों एक माहौल बनाएंगे कि फीस अभी रिफंड हो 7 डेज में, ओके। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट ये है कि प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए अलग से फॉर्म आएंगे upsmfac.org इस वेबसाइट पे, मतलब उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के द्वारा दोबारा फॉर्म निकाले जाएंगे। तो अब एडमिशन कैसे होगा? एडमिशन होगा 10वीं और 12वीं के परसेंटेज बेस पर मेरिट बनेगी। तो सर अगले साल 2025 में भी एडमिशन मेरिट बेस पे ही होगा या एग्जाम होगा? अगले साल तो बच्चों यूपी गेट के नाम से एग्जाम लगेगा, लेकिन अगले साल तो बच्चों फॉर्म अप्रैल में आ जाएंगे, एग्जाम जून में होगा। इस बार एग्जाम थोड़ा लेट हो रहा था इसलिए इन्होंने ये रद्द किया है। अब इसके बाद अगला पॉइंट, अगर किसी बच्चे को सर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो कैसे ले पाएगा? तो बेटा गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के फॉर्म आए हुए हैं, है ना। गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, है ना, गवर्नमेंट GNM कॉलेज, बेटा अगर आप GNM के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो फॉर्म भरा जा रहा है, आप फॉर्म भरवा दीजिए बेटा, है ना। यूपी के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए फॉर्म फिल हो रहे हैं, ठीक है ना। तो फॉर्म कैसे भरवाएं सर? इस वेबसाइट में भरवाएं सर। तो वेबसाइट है ये बेटा, है ना। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज से GNM करना है, गवर्नमेंट कॉलेज से GNM करना है तो फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं बेटा और फॉर्म भरे जा रहे हैं। ये वेबसाइट है देखो, tgmhup.gov.in, है ना। मैं वेबसाइट ओपन करके दिखाऊंगा। और यूपी में बेटा GNM के जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं वो कितने हैं मैं आपको बताता हूँ। ये यूपी के गवर्नमेंट कॉलेज है GNM के बेटा, टोटल 9 कॉलेज है गवर्नमेंट के। कितने कॉलेज है? 9 कॉलेज है। तो बेटा गवर्नमेंट कॉलेजों में अलग फॉर्म भरा जाता है, प्राइवेट में अलग फॉर्म भरा जाता है। समझ में आई बात? गवर्नमेंट में एडमिशन के फॉर्म शुरू हो चुके हैं बेटा, ठीक है। और इन गवर्नमेंट में एडमिशन के लिए भी आपके 12th के और 10th के परसेंटेज बेस पर ही मेरिट बनेगी, ओके। बिल्कुल, कॉलेज कौन कौन से हैं? तो UHM स्कूल ऑफ नर्सिंग कानपुर नगर, और LLR स्कूल ऑफ नर्सिंग कानपुर नगर, SRNH VNMTC प्रयागराज, स्कूल ऑफ नर्सिंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बरेली, नर्सिंग स्कूल SN कॉलेज आगरा, VNMTC डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गोरखपुर, स्कूल ऑफ नर्सिंग बलरामपुर लखनऊ, स्कूल ऑफ नर्सिंग SBVP डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मेरठ, KGMU कॉलेज ऑफ नर्सिंग लखनऊ। तो बच्चों ये 9 गवर्नमेंट कॉलेज है, ओके। बिल्कुल जी। अब देखो बच्चों, मैं आपको वेबसाइट ओपन करके दिखा रहा हूँ गवर्नमेंट कॉलेज वाली, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए जो वेबसाइट है, और ये गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन है बेटा। गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए जो फॉर्म है वो 1 जुलाई से शुरू हुए हैं और 31 जुलाई तक फॉर्म भरे जाएंगे। ये देखो लिखा हुआ है मेरिट के आधार पर, है ना, मेरिट के आधार पर एडमिशन होगा, ओके। आप देख सकते हैं, ठीक है भाई, बिल्कुल। अब देखो इसका नोटिफिकेशन भी मैं आपके सामने दिखाता हूँ। ये वेबसाइट है dgmhup.gov.in। इस वेबसाइट पे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा बेटा। ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है,
किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो, जीएनएम, फिर प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए आप लोग और आगे से आगे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा बेटा, इसका मैं अलग से वीडियो बना के बता दूंगा। ओके भाई, बिल्कुल यहाँ से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू होगा। आपको यहाँ से ऐसे आगे रजिस्ट्रेशन करना है, देखो ठीक है ना, यहाँ पे पूरे गाइडलाइन दिए हुए हैं, आपको आगे से आगे रजिस्ट्रेशन करना है। और इसके लिए 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, ठीक है ना, अपना जाति प्रमाण पत्र, इन सब का जरूरत रहेगा बेटा। देखो आप क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, डोमिसाइल चाहिए, एक तो मूल निवास, अपना जाति ओबीसी ईडब्ल्यूएस, 10th का मार्कशीट अपलोड होगा, 12th का मार्कशीट अपलोड होगा, ठीक है ना, इसके अलावा 10वीं का सर्टिफिकेट अपलोड होगा, ठीक है भाई। इसके अलावा बच्चों और कोई दिव्यांग बच्चा है, फ्रीडम फाइटर फैमिली से है ना, तो उसके लिए अगर कोई एएनएम का कैंडिडेट है और उसके पास एक्सपीरियंस है तो वो एक्सपीरियंस अंदर लगाना पड़ेगा, क्योंकि बेटा यूपी के गवर्नमेंट कॉलेज में लगभग 15-20% सीटें जो एएनएम की हुई लड़कियां है ना उनके लिए रिजर्व रहती है, अपना एक्सपीरियंस लगाती है और उनको बोनस मिलता है, ठीक है। लड़के भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए फॉर्म लगा सकते हैं बेटा, फॉर्म की फीस महज 200 रुपए है, ठीक है ना, तो ये आप फॉर्म जरूर भर देना बेटा, सारे ही बच्चे ये फॉर्म जरूर लगा देना। ओके, ये फॉर्म तो आप लगा ही देना। अब इसके अलावा प्राइवेट कॉलेज वाला फॉर्म अभी आएगा, तो जब प्राइवेट कॉलेज वाला फॉर्म आएगा ना तो ये भी आपको भरना है, क्योंकि इस फॉर्म की फीस भी 200-400 रुपए ही रहेगी, ज्यादा नहीं रहेगी। ओके, और तब तक बेटा अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी का जो फॉर्म का फीस है ना, इसको अपने को वापस लेना है। ये वापस लेने के लिए अपन कल से एक मुहिम स्टार्ट करते हैं, कल से एक प्रयास शुरू करते हैं, ठीक है कि नहीं बेटा? बिल्कुल जी, तो ये पूरा प्रयास है बेटा। तो बस, और इसके अलावा मैं कल एक मेल आईडी बताऊंगा, एक मोबाइल नंबर दूंगा अटल बिहारी का, आपको उस पे ज्यादा से ज्यादा कॉल और ईमेल करने हैं। मैं कल एक वीडियो डाल दूंगा गवर्नमेंट कॉलेज वाला फॉर्म कैसे भरें, ठीक है। हाँ, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, और इस मुहिम को चलाते रहना है, मैंने जानकारी आपको बता दी है यूपी गेट के लिए। और अगर किसी बच्चे ने गलत खाता नंबर डाला हुआ है, किसी दूसरे का खाता नंबर डाला हुआ है, तो ऐसे बच्चे डरे ना, मैं उनको भी तरीका बताऊंगा कि आप कैसे खाता नंबर चेंज करा सकते हैं, ठीक है बेटा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू।